नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सगनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। जिले में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को रोकने के लिए गठित PCPNDT सेल द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए टीम द्वारा निरंतर डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग जांच करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहम्मद अबू बकर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजी जिला स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो कोटपुतली में स्थापित किया जाना है, उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं गतिविधियों की पालना रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि में भेजने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए, जिससे जिले में मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के अंतर्गत आगामी 24 जून को फॉलोअप सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर पर दर्ज परिवादों को गंभीरता से लिया जाए एवं दर्ज प्रकरणों को निस्तारण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जगदीश जाजू, महिला एवं बाल विकास की उप निदेशक उषा शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।